अक्षय कुमार बॉलीवुड इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिनकी साल में 4 से 5 फिल्में रिलीज होती हैं। बताना चाहेंगे अक्षय कुमार बॉलीवुड इंडस्ट्री को हर साल 4 से 5 फिल्मों का सौगात देते हैं। फिलहाल अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म सूर्यवंशी की शूटिंग करने वाले हैं, लेकिन बताते चले सूर्यवंशी से पहले ही अक्षय कुमार कंचना रीमेक की तैयारी शुरू कर चुके हैं। और सूत्रों की माने तो सूर्यवंशी की शूटिंग से पहले अक्षय कंचना रीमेक के कुछ अहम सीन्स को शूट कर लेंगे। बताना चाहेंगे अक्षय कुमार ने इस रीमेक फिल्म की शूटिंग एक गाने के शूट के साथ शुरू कर दी है। इस गाने का टाइटल है बिस्मिल्ला। अक्षय इसमें सादे अंदाज में दिखेंगे। वहीं कुछ दिनों के बाद सूर्यवंशी की शूटिंग शुरू होने वाली है, जिस फिल्म में अक्षय कुमार एक आईपीएस अफसर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। बीते कुछ दिन पहले इस फिल्म का फर्स्ट लुक भी जारी हुआ था। इस फर्स्ट लुक में अक्षय कुमार काफी बेहतरीन तरीके से दिख रहे थे। और बताना चाहेंगे सूर्यवंशी फिल्म में अजय देवगन और रणवीर सिंह का कैमियो अपीयरेंस भी होने वाला है। और दूसरी ओर कंचना फिल्म की बात करें तो कंचना रीमेक में अक्षय कुमार एक ऐसे शख्स का किरदार निभाएंगे जिसके ऊपर एक ट्रांसजेंडर भूत का साया होगा। फिल्म में अक्षय के पत्नी के किरदार में दिखेंगी कियारा आडवाणी। फिलहाल इस फिल्म का टाइटल फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है ये फिल्म काफी ज्यादा जबरदस्त साबित होने वाली, क्योंकि ये हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी। इससे पहले अक्षय कुमार भूल भुलैया नाम की एक हॉरर कॉमेडी फिल्म लेकर आए थे, जिसे फैंस द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया गया था। ऐसे में एक बार फिर से अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी फिल्म लेकर आ रहे हैं कंचना के रीमेक के जरिए। कंचना रीमेक साउथ की सबसे बड़ी फिल्म में से एक है और इस फिल्म के जितने भी इंस्टॉलमेंट आए हैं उन सभी इंस्टॉलमेंट को लोगों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया गया है। और ऐसे में अक्षय कुमार इस फिल्म का रीमेक बनाएंगे तो जाहिर सी बात है फैंस के बीच काफी ज्यादा पसंद की जाएगी।